अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल बीना फूड एंड ब्लॉग्स। आज बना रही हूँ बहुत ही मज़े की चना दाल फ्राई, बहुत ही मज़े की, बहुत ही इंटरेस्टिंग रेसिपी यहाँ पर होने वाली है। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। आज हम बना रहे हैं चना दाल फ्राई। तो हम चने की दाल को भिगो के रखेंगे अच्छी तरह से वॉश करके, 2 घंटे के लिए हम इसे भिगो के रख देंगे। उसके बाद फिर हम मसाला बनाएंगे इसका अच्छे से। इसे अच्छे से धो लेंगे 3 से 4 पानी से, सारे छाया को गंदा पानी सारा फेंक देंगे। अब इसे कवर करके रख देंगे। चलिए व्यूअर्स, दाल को भीग रहे 2 घंटे हो चुके हैं, अब मसाला भून लेते हैं। जिसके लिए मैंने ये 2 तेज़पात के पत्ते, जीरा लिया है, इलायची का मुंह खोल लिया है, बड़ी वाली लौंगे, काली मिर्ची और छोटी इलायची ली है भंगार के लिए। इसके अलावा मैंने यहाँ पर लिया है छोटी बड़ी हरी मिर्ची, प्याज दी है 4 दरमियाने साइज की, ऑयल गर्म होने पहले ही रख दिया था पैन में, 1 खाने का चम्मच। डाल लेते हैं यहाँ पर गर्म मसाला। इसमें लारा फान रहे हैं, फ्लेम को स्लो कर लिया है। डालिए मैंने प्याज, हरी मिर्ची और इसे भी हम फ्राई कर लेते हैं। बहुत मज़े की चना दाल फ्राई बनती है ढाबा रेस्टोरेंट स्टाइल, मज़े की। डाल लेते हैं टमाटर, प्याज राइट से फ्राई किए, कच्चापन दूर हो गया है। 4 से 5 टमाटर लिए, छोटे साइज कर लिए हैं। इसके बाद डालते हैं मसाले और अदरक लहसुन पेस्ट, डालेंगे 1 चम्मच, पिसा हुआ धनिया, हल्दी डालेंगे 1/2 चम्मच, नमक डालेंगे इसमें, किसी भी लाल मिर्ची डालेंगे 1/2 चम्मच, नमक ले लिया है और 1 चम्मच हमने लिया है किसी भी लाल मिर्ची। इसके बाद इसमें जाएगा अदरक लहसुन का पेस्ट, अब इसे भून लेते हैं। आप लोग भी सिस्टर इस तरह से एक बार बनाइएगा, बहुत मज़े की, बहुत ही टेस्टी यहाँ पर आपको दाल लगने वाली है। आप इस तरह से रेसिपी बनाएंगे और मज़े से खाएंगे। सिंपल इजी टेस्टी रेसिपी, क्विकली एंड हेल्दी रेसिपी। डालेंगे हरा धनिया, पुदीना, मसाले को भून लेने के बाद यहाँ पर हम दाल शामिल करेंगे। थोड़ा सा हम दाल को भी फ्राई करेंगे। खुशबू ज़बरदस्त आ रही है, वाह क्या बात है, बस बहुत ही मज़े की टेस्टी। पराठे के साथ खाएं, जीरा राइस के साथ खाएं इसे, चपाती और नान के साथ खाएं। नान के साथ तो इसे रोटी पे रख के खाएं, बहुत मज़े की लगती है ये। आप एक की जगह 4 रोटियां खा जाएंगे इस दाल के साथ। चने की दाल और नान का तो बहुत ही ज़बरदस्त जोड़ है। ऐड कर लेते हैं 2 घंटे भीगी हुई दाल, यहाँ पर फूल चुकी है दाल। करते हैं अच्छे से फ्राई इसको मसाले के साथ, मिक्स भी हो जाएगी और भुन भी अच्छे से जाएगी, जिससे इसका टेस्ट जो है बहुत ही ज़बरदस्त निकल के आएगा। और मज़े की बात यह है कि जब ये 2 टाइम खा लेने के बाद दाल बच जाए तो इसको हम बहुत ही मज़े के साथ चने की दाल फ्राई मसाला के साथ पराठे बनाएँ इससे भर के दाल को, बहुत मज़े के पराठे बनते हैं, डबल पराठे। इमली की चटनी के साथ, लहसुन की चटनी के साथ, हरी मिर्चों की चटनी के साथ, कैचअप टमाटर के साथ, अचार के साथ, सैलड के साथ बहुत मज़े के पराठे लगते हैं। और उसके अलावा दाल भी मसाले वाली बहुत मज़े की लगती है। डालेंगे इसमें पिसा हुआ गरम मसाला, पानी डालेंगे दाल को गलाने के लिए और उसके बाद हम इसको ढक के रख देंगे स्लो टू मीडियम आंच पर। अब मैं इसमें पानी ऐड करने लगी हूँ, इसमें दाल पकान देंगे। बस फाइनल हम दिखा रहे हैं, मिलते हैं इंशाल्लाह एक और अच्छी रेसिपी के साथ। बहुत मज़े की, बहुत टेस्टी, यहाँ पर मसाले वाली घुली घुली थी चने की दाल बनी है। इंशाल्लाह हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। उम्मीद है आपको रेसिपी पसंद आई होगी, तो अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा, ट्राई कीजिएगा, इंजॉय कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।